आए दिन जुर्म से जुड़े अलग अलग किस्से आते रहते हैं, मगर इस बार एक ऐसी खबर आई है जो आपको अचंभित कर देगी। जी हाँ, खबर महाराष्ट्र के चंद्रपुर की है, जहाँ एक बेटे ने अपने पिता की प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पिता का एक महिला से अवैध संबंध था, जिसे लेकर घर में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। रोज रोज के इस कलह कलेश से परेशान होकर 20 साल के बेटे ने पिता की माशुका को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर धारदार चाकू से वार कर महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि महिला की उम्र 32 साल है और उसके 3 बच्चे भी हैं। वे अपने पति से अलग रहती है। वहीं मृतक महिला के प्रेमी की उम्र करीब 55 साल है। बता दें कि इस हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पुलिस को कई अहम जानकारियां मिलती जा रही हैं। मृतक महिला की एक बेटी और 2 बेटे हैं। वो पिछले 4 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी। इस मामले में जांच अधिकारी सुधीर नंदनवार ने बताया कि हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद महिला के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हत्यारे ने महिला के गले और पीठ पर वार किए थे। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने हत्या के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मतलब है कि आक्रोश में आकर बच्चे ने यह कदम उठाया, मगर वजह चाहे कुछ भी रही हो, इस तरह कानून को हाथ में लेना सही नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।